प्रिय मित्रों, मैं आप सबका दोस्त गणेश अहुवाड़ आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखिए और लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने महर्षि पतंजलि ऋषि द्वारा वर्णित अष्टांग योग का जो प्रथम आयाम है यम अर्थात संयम के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया था। इसकी वीडियो में हम महर्षि पतंजलि ऋषि द्वारा वर्णित अष्टांग योग का जो दूसरा आयाम है नियम और उसके प्रकार जैसे शोष संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए मित्रों, इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रिय मित्रों, महर्षि पतंजलि ऋषि द्वारा वर्णित अष्टांग योग के द्वितीय आयाम को नियम कहते हैं। जहां यम निवृत्ति मूलक साधन है वही नियम प्रवृत्ति मूलक साधन माने जाते हैं। महर्षि पतंजलि ऋषि द्वारा वर्णित नियम पांच प्रकार के हैं। एक शौच, दो संतोष, तीन तप, चार स्वाध्याय, पांच ईश्वर प्राणिधान। तो आइए मित्रों, इन पांच प्रकार के नियमों को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। एक शौच, शारीरिक और मानसिक शुद्धि को शौच कहते हैं। पंचकर्म या षटकर्म द्वारा शरीर की भीतरी सफाई और ध्यान से ब्रह्म शुद्धि, मन शुद्धि तथा आत्म शुद्धि होती है। पानी, मिट्टी आदि के द्वारा शरीर, वस्त्र, भोजन और मकान आदि के मल की अशुद्धियों को दूर करना बाह्य शुद्धि मानी जाती है। जबकि प्रेम, सद्भावना, मैत्री, करुणा, शील आदि से की जाने वाली शुद्धि आंतरिक शुद्धि मानी जाती है। यहाँ शौच से दो तरह की शुद्धि की क्रिया को स्वीकार किया गया है। पतंजलि मानते हैं कि बाह्य शौच से अपने ही शरीर के अंगों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती और दूसरे से संसर्ग करने की इच्छा भी जाती रहती है। वहीं आभ्यंतर शौच से मन की प्रफुल्लता, एकाग्रता, इंद्रिय विषय एवं आत्मदर्शन की योग्यता आदि क्रमशः प्राप्त होने लगती है। दो संतोष, निष्काम कर्म, पुरुषार्थ अथवा आसक्ति रहित कर्म करके जो कुछ प्रतिफल मिले उसे स्वीकार करना ही संतोष है। कर्तव्य का पालन करते हुए उसका जो कुछ परिणाम उपलब्ध हो और प्रारब्ध के अनुसार अपने आप जो कुछ प्राप्त हो, इतना ही नहीं जिस अवस्था एवं परिस्थिति में रहने की स्थिति प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना, किसी प्रकार की लालसा न करना संतोष है। संतोष की व्याख्या इस तरह भी कर सकते हैं जैसे विषय वासना के परित्याग से तृष्णा रहित होने से उत्पन्न सुख संतोष है। कहा जाता है संतोष से परम सुख का लाभ मिलता है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं संतोषम अर्थात संतोष या समाधान से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। तीन तप, अपने वर्ण आश्रम परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक कष्ट प्राप्त होता है उसे सहन करना ही सही मायने में तप है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्थिर रहना ही तप है। व्रत, उपवास आदि को भी इसी में शामिल किया जाता है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, हानि, लाभ आदि सहन कर इन दंडों से उबरना ही तप माना जाता है। चार स्वाध्याय, जिनसे अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध हो सके वैसे शास्त्र आदि का अध्ययन एवं महापुरुषों के वचन के अनुपालन को स्वाध्याय कहा जाता है, अर्थात वेद, शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, भगवद गीता, संतों के उपदेश, जो कुछ भी पढ़ने योग्य है उसका अध्ययन, श्रवण, चिंतन करना स्वाध्याय है। इसके साथ साथ निराकार ओंकार का जाप करना भी स्वाध्याय की ही प्रक्रिया मानी जाती है। हमारे ऋषि मुनि जप के तीन तरीके बतलाते हैं, वह है एक उपांशु, दो वाचिक और तीन मानस। होंठ की स्पंदन की क्रिया प्रतीत होने पर भी जिससे दूसरों को शब्द का ज्ञान न हो पाए इस तरह के जाप स्वाध्याय को उपांशु कहते हैं, लेकिन जिसमें स्पष्ट रूप से शब्द बोध कराने वाला ध्वनि होता है वैसे जप को वाचिक जप कहते हैं। जब बाह्य स्पंदन शून्य शब्द चिंतन को किया जाता है तो उसे मानस जप कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वाचिक से श्रेष्ठ उपांशु होता है जबकि उपांशु से श्रेष्ठ मानस होता है। पांच ईश्वर प्राणिधान, फल की इच्छा का परित्याग करते हुए समस्त कर्मों को परम पिता ईश्वर को समर्पण करना ही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण हमें निस्वार्थ कर्म फल से रहित योगी होकर ईश्वर समर्पित भाव से कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, यही ईश्वर प्राणिधान है। कुछ लोगों ने इसे ईश्वर पूजन के अर्थ में भी लिया है। स्फूर्ति, स्मरण एवं पूजन द्वारा मन, वचन एवं कर्म से निश्चल भक्ति इसका स्वरूप है। संपूर्ण क्रियाएं ईश्वर को अर्पित करने के लिए हर समय भगवत स्मरण करना आवश्यक होता है। इस तरह का ईश्वर के प्रति समर्पण जहां फल की आकांक्षा के बगैर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पण किया जाता है वो ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। ईश्वर के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन,
भजन और मनन ईश्वर प्राणिधान के अंग हैं। मित्रों, इस तरह से हमने महर्षि पतंजलि ऋषि द्वारा वर्णित अष्टांग योग के द्वितीय आयाम नियम के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।